प्रेगनेंसी में ज़्यादा उल्टियाँ होना घर में लड़का होगा या लड़की। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मॉम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रहा है तो ये किसका संकेत है, लड़का या लड़की, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। इसके लिए वो लोग बहुत सारे उपाय करते रहते हैं या फिर लक्षण के द्वारा जानना चाहते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। दोस्तों, आप लोग को पता है कि भारत में लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है। आप लोग भारत में लिंग जांच नहीं करवा सकते, लेकिन ऐसा कुछ उपाय है या फिर लक्षण है जिसके द्वारा आप लोग जान सकते हैं कि एक गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में हॉर्मोन्स के जो उतार चढ़ाव बहुत देखे जाते हैं। साथ में एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। और दोस्तों, इतने में मैं कह देती हूँ कि मेरा चैनल कोई लिंग भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिला का जो जानने की जिज्ञासा है, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो उन गर्भवती महिला के शरीर में जो हॉर्मोन्स के जो उतार चढ़ाव होते हैं, हर एक गर्भवती महिला में अलग अलग होते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं है, मेरे लिए दोनों ही समान है। लेकिन मैं जो गर्भवती महिला का जो जानने की जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी में ज़्यादा उल्टियाँ होना घर में लड़का होगा या लड़की। दोस्तों, जो हमारी दादी नानियाँ होती हैं वो बोलती है, अगर गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान उल्टिया का समस्या या फिर मतली का समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले महीने से लेकिन नौवें महीने तक या फिर उल्टी की समस्या ज़्यादा है, तो माना जाता है कि ये एक घर में बेटी होने का ही संकेत है। तो दोस्तों, यही था प्रेगनेंसी में ज़्यादा उल्टियाँ होना घर में लड़का होगा या लड़की, उसके बारे में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो, या फिर आगे कुछ टॉपिक में जानना चाहते मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाऊँ तो आप लोग को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।